नंबर वन में डाउट, वन में डाउट, कितनों का हुआ वन, हुआ भी वन। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूले की ज़रूरत है और वो फॉर्मूला हमने अभी किया नहीं है, तो अगर आपसे ये ना हो तो मतलब एक नॉर्मल बात है ये आपसे ना होना, क्योंकि एक फॉर्मूला मेरे को आपको बताना है। जैसे एक स्प्रिंग मास सिस्टम होता है, जैसे एक सॉरी पेंडुलम होता है, एक पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L/g, मतलब एक चक्कर टू एंड फ्रो जाने का जो टाइम पीरियड है वो 2π√L/g होता है। वैसे हम एक और चैप्टर करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, बस अब कुछ दिनों में आने वाला है, उसके अंदर ये सिखाया जाएगा कि अगर आप एक मासलेस स्प्रिंग लें और नीचे एक मास टांग दें और इसको हिला दें, तो ये स्प्रिंग सबसे पहले कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, फिर अपने पोजीशन पर वापस आएगा, फिर ये कंप्रेस होगा और फिर ये वापस आएगा। इसे बोलते हैं इसका एक रेवोल्यूशन पूरा हो गया, 1, 2, 3 और 4, जहाँ से स्टार्ट हुआ घूम के वहीं पर वापस आ गया। तो इसका जो एक चक्कर का टाइम पीरियड है 2π√M/k होता है। ये फॉर्मूला नोट कर लें, तो ये इसका प्रूफ आने वाला है अभी आने वाले टाइम में, तो हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे T=2π√M/k। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? अब कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आपके पास एक पैन है, पैन मासलेस है, नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है और इसके ऊपर एक मास है m, और आपने इसको पुश करके छोड़ दिया तो ये ऊपर नीचे मूव करेगा, इसका कोई मास नहीं है पैन का। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला फिर से इस केस में भी एग्जैक्टली क्या रहेगा, 2π√M/k। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ये फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर में, मतलब इस क्वेश्चन में, तो इसलिए वैसे ये अभी इसका टाइम नहीं आया करने का, बट क्योंकि क्वेश्चन आ गया तो मुझे बताना पड़ा। अब क्वेश्चन सुनो क्या है, क्वेश्चन वो ये कहते हैं कि ठीक है आपने एक पैन लिया और आपने ये मास को ऊपर नीचे मूव करवाया, तो जब आपने ऊपर नीचे मूव करवाया, टू एंड फ्रो मूव करवाया, इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया, अगर आप इसमें इस फॉर्मूले में टाइम पीरियड का स्क्वायर लें, T²=4π²×M/k, ये वैल्यू आ जाएगी, और अगर आप टी स्क्वायर और मास का ग्राफ प्लॉट करें, 4π² और k तो कांस्टेंट है, तो ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि टी स्क्वायर और m का ग्राफ है, तो टी स्क्वायर और m का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, तो ऐसा ग्राफ बनना चाहिए था, m का और टी स्क्वायर का ग्राफ ये बनना चाहिए था, पर वो ये कह रहा है कि जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो मेरा ग्राफ ना ऐसा बन गया, तो रीज़न बताओ ऐसा क्यों बना। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई कि क्वेश्चन है क्या, होना चाहिए था स्ट्रेट लाइन, अभी भी स्ट्रेट लाइन है, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन होना चाहिए था, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो इसका आंसर है मास ऑफ पैन वॉज नॉट निग्लेक्टेड। टाइम पीरियड जीरो कैसे होगा, नहीं ऐसा है, तुम हिलाओगे तब ये क्वेश्चन चालू होगा ना, तुम हिलाओगे नहीं टाइम पीरियड जीरो करके कोई फायदा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ये मूव तो करवाना पड़ेगा इसे ना, इसको ऐसे करेंगे। अच्छा तुम वो अच्छा ग्राफ की प्रेडिक्शन कर रहे हो, नहीं ऐसे नहीं करना, इसके अंदर क्या है, इसमें ना जो पैन है उसका मास भी लिया गया है, आप ये देखो कि ब्लॉक का मास उसमें m था, मान लो पैन का मास भी m नॉट है, जबकि मैंने उसमें लिया नहीं पैन का मास, तो अगर मैं पैन का मास लेता हूँ तो मेरा टाइम पीरियड क्या बन जाता है, 2π√M/m0/k, मास बढ़ गया, स्क्वेयरिंग किया, स्क्वेयरिंग करके इसको ओपन किया, अब देखो स्ट्रेट लाइंस हो गई होंगी मैथ्स में, वैसे आपकी स्टार्ट हो गई, तो ये क्या है, ये वाई एक्सिस है टी स्क्वायर, एक्स एक्सिस में मास है, आप चेक करो इंटरसेप्ट आ रहा है, और इंटरसेप्ट तभी आ रहा है क्योंकि एम नॉट नॉट जीरो है, अगर एम नॉट जीरो होता, पैन का मास ना होता, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एम था, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन है, इसके अंदर एम नॉट है तो ओरिजिन से पास नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या मार्क करेंगे, मास ऑफ पैन वॉज नॉट नेग्लेक्टेड। लेकिन इसके लिए आपको ये फॉर्मूले की नॉलेज चाहिए, नहीं तो हो नहीं पाएगा, बट चलो ये क्वेश्चन थोड़ा एक्सेप्शनल क्वेश्चन हो गया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर टू में डाउट, टू में वो कह रहे हैं वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m, एक रॉड है जिसका मास m1 है, नीचे लगा हुआ है मास m2, देखो ये मास यहाँ पर मत माने, पूरी रॉड का ही मास है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
वो कह रहे हैं व्हाट इज द स्ट्रेस एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। देखो यहाँ पे आपको स्ट्रेस निकालना है, यहाँ का स्ट्रेस होगा क्या, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ओ फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया तो ए गिवन ही है। फोर्स क्या लें, टेंशन, टेंशन रॉड में क्या होगी, टेंशन रॉड में होगी इसका मास प्लस इसका मास, या इसका वेट प्लस इसका वेट, तो इसका वेट आधा वेट लेना पड़ेगा, रॉड का पूरा वेट नहीं लेना, रॉड का सिर्फ आधा वेट लेना है, हाफ वेट लेना है, क्योंकि पूरी रॉड, क्योंकि जिस पॉइंट पर टेंशन निकालनी है उसके ऊपर की रॉड इसमें कोई फोर्स, कोई इसमें वेट नहीं लगाने वाली, इसलिए हमने इसको क्या किया, हाफ कर दिया, ये हाफ आएगा, राइट, क्लियर है। अब ऑप्शन मार्क कर लेना, टोटल फोर्स बाय एरिया आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर टू, थ्री क्वेश्चन मेरे ख्याल से किया हुआ है, सी इज पैरेलल का इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस का क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल हैज अ मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा, एक एल लेंथ है और लैम्डा का मतलब मास बाय लेंथ है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए है। द इलॉन्गेशन इज इन द रॉड इज स्मॉल एल, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एल है, ड्यू टू इट्स ओन वेट, ओन वेट, इफ इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ रूम, यंग मॉडुलस ऑफ द रॉड क्या होगा। मैंने आपको एक शॉर्टकट बता रखा है, ओन वेट में एक ही काम करना है, यंग मॉडुलस में फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल कितना है स्मॉल एल, और ओन वेट में लेंथ क्या लिया करते हैं, क्या बताया था, एल बाय टू डिस्कस किया था, रीअरेंज करके ये टर्म आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्मॉल एल की ये टर्म आएगी, मास क्या है, मास तो गिवन नहीं है लेकिन आपको लैम्डा गिवन है और लेंथ ऑफ द रॉड भी गिवन है, तो मास की जगह लैम्डा इंटू एल, क्योंकि लैम्डा का मतलब है मास अपॉन लेंथ, इंटू लेंथ मास आ गया, ऑप्शन मार्क कर लेना, आंसर आ गया। तो मास को लैम्डा की फॉर्म में आपको लिखना है इसमें, ठीक है यहाँ तक, तो ये भी आइडिया क्लियर है कैसे करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट हो गया, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर स्टील रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर, एक ना स्टील की रिंग है आपके पास और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए है, इज फिटेड ऑन अ वुडन डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर, आपके पास में एक वुडन डिस्क है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ये रही वो डिस्क जिसका रेडियस कैपिटल आर है, इसके ऊपर आपने स्टील की क्या चढ़ानी है, एक रिंग चढ़ानी है, स्टील की रिंग है मतलब रबर बैंड की तरह ऊपर चढ़ानी है, स्टील की रिंग का रेडियस छोटा है, छोटा आर है, और डिस्क का रेडियस बड़ा है, तो वो एक्सपैंड करना पड़ेगा इसे, तो आपके पास जो रिंग है, जो आपके पास रिंग है उसका रेडियस है, उसका लेंथ कितनी है, 2 पाई इंटू स्मॉल आर है, और किसके ऊपर चढ़ानी है, 2 पाई इंटू कैपिटल आर है, और कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर है, तो डिस्क का सर्कमफ्रेंस तो बड़ा है और रिंग का क्या है, छोटा है, तो आपको ये ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है रिंग की, अब रिंग के केस में डेल्टा एल क्या पुट करना पड़ेगा, रिंग का सर्कमफ्रेंस और डिस्क के सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस, कि डेल्टा एल हो गया, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगा लेना, वाई का जो फॉर्मूला बनेगा वो फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, एल की जगह रिंग का सर्कमफ्रेंस, डेल्टा एल की जगह 2 पाई इंटू कैपिटल आर माइनस 2 पाई इंटू स्मॉल आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल लेना, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, फोर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल करके आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आंसर। पॉइंट ठीक यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किसका, इसका सी है, अच्छा सी है, चलो हाँ सी होगा शायद, डन, क्लास में किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, गलती से लिख दिया, नॉन मेडिकल दोनों के लिए, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें एरर्स का लगेगा, वॉल्यूम का एल क्यूब लिख लेना और डेल्टा वी बाई वी थ्री इंटू डेल्टा एल बाई एल, एक मिनट में आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, मैंने उल्टा ज़्यादा लंबा कर दिया भाई, नो में लगा के किया, फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, टू नहीं आएगा डिनोमिनेटर में, टू नहीं आएगा, और ये फॉर्मूला सही कर लेना, ये ना माइनस नहीं है, ये प्लस है, जो डेंसिटी है वो डेप्थ पे जाके बढ़ती है, और हमें किया हुआ डेंसिटी कैसे बढ़ती है, तो आप इसमें डेंसिटी का डिफरेंस निकाल सकते हो, वो ये पूछ रहा है कि नीचे जाके डेंसिटी डेल्टा रो कितना है, ये क्वेश्चन है, तो ये हमने किया हुआ है ऑलरेडी, राइट, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी किया हुआ है शायद आपने,
क्वेश्चन नंबर 11 नहीं करना, अब ये सिलेबस में नहीं है। मतलब बेंडिंग, जो बीम की बेंडिंग, बीम जो है वो ना बहुत टाइम के बाद बेंड हो जाते हैं, लोड पड़ने से चीज़ें बेंड होती हैं। वो बेंडिंग कितनी है ये पहले फॉर्मूला आया करता था, अब ये कभी आया नहीं है, पर फिर भी मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बेंडिंग के ऊपर ही है, डेल्टा की वैल्यू है, एलोंगेशन है, सिविल वाले ही इसको कर पाएंगे, जो सिविल इंजीनियर्स हैं वही ये एलोंगेशन और डेल्टास निकालते हैं। तो अभी अपने उसमें नहीं है, आपको बुक के अंदर मिलेगा भी नहीं इसका टॉपिक। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 तो शायद हमने किया हुआ था ये, जो मुझे लगता है, और क्वेश्चन नंबर 15 भी जरूरत नहीं है। इसमें एक वायर को ट्विस्ट करने का कितना कपल लगता है, घुमाने का टॉर्क एक ट्विस्ट में क्या लगता है, उसका ये फॉर्मूला होता है, ये भी अब चला गया है, मतलब आपको बुक्स में दिखेगा नहीं, ये भी इसकी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में डिस्कस कर, मतलब मैं करना चाहता हूँ इसमें, ये मैंने बुकलेट के अंदर किया भी हुआ था। आपके पास कितनों का हो गया ये? अच्छा, आपके पास दो रॉड्स हैं, एक का यंग मॉडुलस Y1 है और एक का यंग मॉडुलस Y2 है, और यानी कि इलास्टिक है, Y होने का मतलब इलास्टिक है। एक का एक्सपेंशन का कोफिशियंट α1 है और एक का एक्सपेंशन का कोफिशियंट α2 है, मतलब हीट का कॉन्सेप्ट तो यूज होना है, यानी कि वायर जो है वो हीट से एक्सपैंड होती हैं। नेक्स्ट है, वो कह रहा है कि इसके अंदर मैंने क्या किया, α1 α2 कोफिशियंट्स है, Y1 Y2 यंग मॉडुलस है, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया बाय T, तब तो हुआ क्या, ये वायर्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं, वो फोर्स की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन है। अब पॉइंट ये फोर्स लगा क्यों रही हैं, वायर्स दो वॉल्स के बीच में टिकी हुई हैं, वो जो वायर्स हैं जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो एक्सपैंड हो जाएगी, जगह तो है नहीं, और उसे बिल्कुल देखो अगर जगह नहीं है तो या तो वायर टेढ़ी हो जाएगी या टूट जाएगी, टूट सकती नहीं है, इलास्टिक वायर है, टूटेगी कैसे, बेंडिंग उसने वर्ड यूज़ नहीं किया, तो वायर की ओरिजिनल लेंथ सेम ही रहेगी, वो कह रहे हैं। अब सेम कैसे हो सकती है, क्योंकि वायर इलास्टिक की नेचर है, गर्म करने से वायर अगर डेल्टा एल इंक्रीज हुई तो एक्सपेंशन इलास्टिसिटी की वजह से डेल्टा एल कंप्रेस हो गई, ताकि ओरिजिनल लेंथ रिमेंस सेम। तो यही क्वेश्चन है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया वो एक्सपैंड हुई, इलास्टिसिटी की वजह से वो कंप्रेस हुई, जब कंप्रेस हुई दोनों ने एक दूसरे पे क्या लगाई, फोर्स, वो फोर्स कितनी है क्वेश्चन है। पहले ये डिस्कस करते हैं कि गर्म करने से एक्सपैंड कितनी हुई, एक्सपेंशन का फॉर्मूला डेल्टा एल हमें पता है, ये फॉर्मूला शॉर्टकट बता रखा है मैंने। फर्स्ट वायर के लिए डेल्टा L1 ये रहा, L1 अल्फा 1 T टेम्परेचर इंक्रीज है। सेकेंड वायर के लिए डेल्टा एल कितना है, L2 अल्फा 2 और T, तो यानी कि दोनों वायर्स का डेल्टा L1 डेल्टा L2 मैंने इंक्रीज करके ऐड करके बता दिया, तो ये मेरे पास टोटल इंक्रीज इन लेंथ है। अब इसमें मेरे को इलास्टिसिटी भी गिवन है, अब मुझे कंप्रेशन निकालना पड़ेगा, तो मैंने यंग्स का फॉर्मूला लगाया, वाई इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया डेल्टा एल बाई एल से, डेल्टा एल एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, और ऐसे ही मैंने डेल्टा L1 यंग मॉडुलस से फर्स्ट वायर के लिए निकाला और ऐसे सेकेंड वायर के लिए भी निकाला, एरिया सेम है, लेंथ डिफरेंट है, वाई भी डिफरेंट है, और मैंने इन्हें ऐड कर दिया, मैंने ऐड करके ये टर्म निकाल ली। अब देखो ये जो टोटल डेल्टा आया दोनों का वो एक्सपेंशन का आया, और ये इलास्टिसिटी से ये क्या आया, उतना ही ये क्या हुई, दोनों रॉड्स कंप्रेस हो गई, जितनी एक्सपैंड हुई उतना ही कंप्रेस हुआ, तो यानी कि ये वाली और ये वाली टर्म बराबर है, इंक्रीज का डेल्टा एल और डिक्रीज का डेल्टा एल बराबर है। तो आप इसे और इसे इक्वेट कर लें, बस इक्वेट करके एफ निकालने, ऑप्शन मार्क करने का, फिर तो कुछ करना ही नहीं, कैलकुलेशन है। तो तुम डेल्टा एल दोनों का पहले उसको हीट की वजह से निकाल लें, फिर यंग्स की वजह से निकाल लें, दोनों को इक्वेट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो इसी के साथ ये असाइनमेंट क्लोज करते हैं, ठीक है, और फिर वापस प्रेशर पे आते हैं।